Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. बॉलीवुड में 31 अगस्त को रिलीज हुई दो बड़ी फिल्में जो कि स्त्री और यमला पगला दीवाना फिर से है। दोस्तों आपको बता दें, स्त्री राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म है, तो वहीं पर यमला पगला दीवाना फिर से देओल फैमिली की फिल्म है जिसमें आप लोगों को सनी देओल, बॉबी देओल और धर्मेंद्र पाजी नजर आ रहे हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इनके चौथे दिन के कलेक्शन के बारे में। आपको पहले बता दें कि स्त्री के पहले दिन का कलेक्शन रहा था 7 करोड़ रुपए, लेकिन उसने अच्छी कमाई करते हुए अपने वीकेंड को कंप्लीट किया था 31 करोड़ रुपए के साथ में, और आज के दिन भी ये काफ़ी अच्छी कमाई करने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, इसमें राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर दोनों की ही एक्टिंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और ये फिल्म काफ़ी अच्छा कलेक्शन करती हुई जा रही है। आपको बता दें, आज ये चौथे दिन के अंदर भी कम से कम 13 से 14 करोड़ रुपए की कमाई कर लेगी। आज जन्माष्टमी की छुट्टी के कारण इसे काफ़ी अच्छा फायदा होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि वहीं पर यमला पगला दीवाना फिर से काफ़ी अच्छा कमाल नहीं कर पाई है। दोस्तों आपको बता दें कि इसने अपने पहले दिन के अंदर मात्र 1.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग दी और ऐसे में इसका टोटल कलेक्शन वीकेंड पर भी सिर्फ 5 करोड़ रुपए के आसपास ही रहा था। आपको बता दें, ये बिल्कुल भी अच्छी कमाई नहीं रही थी और ऐसे में बॉबी देओल, सनी देओल और धर्मेंद्र पाजी की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई है और लोगों को भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है और ऐसे में ये जंग जीतते हुए स्त्री नज़र आ रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म ज़्यादा अच्छी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करिए बॉलीवुड जंक्शन को ताकि आपको मिले बॉलीवुड की हर खबर सबसे पहले।